हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट, जो कि आया ही उदय रिक्रूटमेंट की तरफ से, अदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आए, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट है और भी बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। 10th 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। सैलरी की अगर बात किया जाए, आपको 23,000 से शुरू होने वाला है आपका सैलरी। एंड एज जो है यहाँ पे ये सिलेक्शन अप्लाई सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। और अदर डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें क्या बता रहा है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट, जिसमें क्लियरली कुछ वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आया है अलग अलग सिटीज़ में। तो एक एक करके आप लोगों को बताऊँगा कौन कौन से सिटीज़ में क्या रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते। तो फर्स्ट में आप लोगों को एक ही बात बताऊँगा, अगर इनमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, नीचे दिया हुआ ऑफिशियल लिंक को क्लिक करके आप लोग आपका एप्लीकेशन जो है भेज सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ऊपर, जिसके लिए मुंबई सिटीज़ में जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें 25th May 2023 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे आया है वो है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल के लिए, टेक के डायरेक्टर जनरल टेक्निकल के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जो कि बेंगलुरु में। अगर आप चाहते हो उसमें भी एप्लीकेशन कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो पोस्ट आया है आप लोग देख सकते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ सर्कुलर ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर रिक्रूटमेंट, जो कि 30 अप्रैल 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये तीनों जो है पोस्ट अभी तक जो है यहाँ पे है, और इनके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी एक पोस्ट यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, एंड डाउनलोड करके इस फॉर्म को चेकआउट करना होगा कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर क्लियरली यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो जो पोस्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर में क्लियरली बताया गया है द पोस्ट नेम इज़ द डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बेसिकली इस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसके लिए आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बेसिकली जो कैंडिडेट गवर्नमेंट होल्डर है या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनके लिए यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों और भी पोस्ट निकल के आया है, जिसके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकल के आया, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों पोस्ट के अलावा और जो पोस्ट निकल के आया है, उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, सेम तरीके से आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा एंड चेकआउट करना होगा किस तरह से आप लोगों को वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।